What's up guys, this is Pratik. So, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ MI Band 4 एंड MI Band 3 के कंपैरिजन कि दोनों में से कौन बेटर है या कौन आपको खरीदना चाहिए, MI Band 4 खरीदना चाहिए या फिर MI Band 3 आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पुराना वाला MI Band 3 है एंड ये MI Band 4 है, ठीक है। तो MI Band 4 एंड MI Band 3 के कंपैरिजन में सबसे पहले जो दोनों का डिफरेंस है वो आप 3 में देख सकते हो, ये कि ये ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है एंड इसमें ये कलरफुल डिस्प्ले है। डिस्प्ले कितना अच्छा है 4 का 3 के मुकाबले, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब ये मेन स्क्रीन हो गया, अब हम सेकंड स्क्रीन चलते हैं तो यहाँ स्टेटस आ गया एंड यहाँ ये भी स्टेटस ही है। जब हम स्टेटस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो स्टेप्स का काउंट आएगा एंड यहाँ पे भी स्टेप डिस्टेंस इन्हीं का काउंट ही देखने को मिलेगा। अब स्टेटस के बाद यहाँ भी हर्ट रेट मिलता है एंड यहाँ भी हर्ट रेट ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम स्वाइप करते हैं तो वेदर कंडीशन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम स्वाइप करते हैं तो आपको वर्कआउट में यहाँ पे ट्रेडमिल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे वर्कआउट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हमें दोनों में नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिल जाता है एंड मोर के अंदर हमें बहुत सारा फीचर मिलता है। अगर हम इसका मोर का बात कर लें तो इसमें हमें साइलेंट मिल जाता है, DND L 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें हमें 2-3 एक्स्ट्रा मिल जाता है MI Band 4 में, वो है DND LR, म्यूजिक, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माई फोन, साइलेंट एंड बैंड डिस्प्ले सेटिंग्स में भी मिल जाता है, जिसके थ्रू हम अपना ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस जो इंक्रीज करने वाला फीचर है ये MI Band 3 में है ही नहीं, अब सिर्फ ये MI Band 4 में ही है कि आप अपने स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो इसका ब्राइटनेस वो काफ़ी अच्छा है, अभी आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट बिलीव मी ये काफ़ी अच्छा है। जो भी MI Band 2 एंड 3 के यूजर्स कंप्लेन करते थे डिस्प्ले का, जो वो अच्छे से दिखता नहीं है, बट इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। एंड जब आप फुल डिस्प्ले पर रखोगे तो ऑब्वियसली बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी, बट आप जो लुक आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा, ओके। तो ये एक बिग डिफरेंस है MI Band 3 एंड MI Band 4 के बीच में, ओके। फिजिकली एक बार देख लेते हैं MI Band 3 एंड MI Band 4 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर दोनों का बैंड का बात करें तो उसमें आपको खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों के, ये 3 है एंड ये 4 है। अब दोनों का मेन, अब यहाँ देख लो ये 3 है एंड ये 4 है। डिस्प्ले तो आपने देख लिया कि ये कलरफुल डिस्प्ले है, ये ब्लैक एंड वाइट है। पीछे की तरफ आपको यहाँ भी हर्ट रेट मोनिटर मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है एंड इसमें जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहीं पे मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता है, ये मिलता है यहाँ पे, ठीक है। हमें प्लग करना पड़ता है बट यहाँ इसका जो चार्जर है वो जस्ट प्लेस कर देना है हमें चार्जर में एंड वो चार्जिंग होने लगता है, बट ये इसका जो चार्जर था उसमें हमें प्लग करना पड़ता है। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों का चार्जर कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसका MI Band 3 का चार्जर आप 4 में यूज़ करो, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है एंड डिफरेंट डिफरेंट ही आपको यूज़ करना होगा, ओके। अब हम चलते हैं दोनों के एप्लीकेशन पे, लाइक मी फिट ओपन करते हैं तो इस तो आप देख सकते हो इससे मैंने MI Band 4 कनेक्ट कर रखा है एंड इससे मैंने MI Band 3 कनेक्ट कर रखा है। तो आप देखो दोनों का जो डिफरेंस है एप्लीकेशन में वो क्या क्या आता है। सबसे पहले बैंड डिस्प्ले सेटिंग्स आता है ऊपर में, इसमें आपको मिल जाता है जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है। मीन्स आप यहाँ से फेस चेंज कर सकते हो अपने बैंड का, ठीक है। तो 3 में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हमें वो ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अनलॉक स्क्रीन, फिर इनकमिंग कॉल, इवेंट रिमाइंडर, अलार्म, ऐप अलर्ट, आइडल अलर्ट, बाकी सब सेम है। उसके बाद नीचे फाइंड बैंड का ऑप्शन मिल जाता है, सेम यहाँ भी आपको दोनों में सेम ही मिलता है। उसके बाद जो आपको एक मेजर सेटिंग चेंज मिलता है वो है MI Band 4 में आपको लैप मिल जाता है, जिसके थ्रू आप पासकोड लगा सकते हो अपने बैंड में, बट MI Band 3 में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता है। ऑल दो बाकी सब कुछ इसमें सेम मिल जाता है, आप इसमें 2-3 फीचर्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको 2-3 फीचर ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि बैंड फेस हो गया एंड पासकोड हो गया, ठीक है। बट MI Band 3 में आपको वो सब नहीं मिलता है, इसलिए आप उसमें नहीं देख सकते। अगर हम वर्कआउट सेलेक्ट करते हैं MI Band 4 का एंड MI Band 3 का, तो दोनों में क्या डिफरेंस मिलता है, तो आप ये देखो कि दोनों का डिफरेंस कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपको दोनों में ही हर्ट रेट मॉनिटर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, आप दोनों इजीली यूज़ कर सकते हो, सेम ही आपको डेटा देखने को मिलता है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें वो भी क्या, जैसे कि आपको बैंड 3 में कुछ फीचर्स मिसिंग हैं जो बैंड 4 में अपग्रेड किए गए हैं, तो डेफिनेटली बात है, अगर मैं आपसे
अगर आप मेरे से पूछोगे दोनों में से कौन सा बैंड लेना चाहिए, तो डेफिनेटली डोंट गो फॉर बैंड 3, गो फॉर बैंड 4। ये अभी तो वैसे इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये ग्लोबल वर्जन है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप वेट कर सकते हो जब ये इंडिया में लॉन्च होगा, अब तब इसको परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन से। सो डेफिनेटली गो फॉर बैंड 4 बिकॉज इसका जो लुक है वो बैंड 3 से काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली ये एक न्यू अपग्रेड है, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। खास करके जो इसका फेस है, जो डिस्प्ले है, वो बहुत ही अच्छा है, टच भी बहुत अच्छा है, नोटिफिकेशंस हो गया। उसके बाद जैसे ही आप मोड पे क्लिक करोगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि म्यूज़िक प्ले। म्यूज़िक प्ले ऐसा ऑप्शन है जो आपको पहले बैंड 3 में नहीं मिलता था या बैंड 2 में नहीं मिलता था, इसमें डायरेक्टली आपको मिल जाता है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसको प्ले कर सकते हो। ओके, तो आपको याद होगा ये MI बैंड 2 ये HRX एडिशन है। MI बैंड 2 में आपको हर्ट रेट भी मिल जाता था, तो आप देख सकते हो ये पुराना है, ये कैसा था पहले, ऐसे आया था, ये एक टच बटन था, हम इस पर क्लिक करते थे, बटन था या फिर जो भी आप बोलो, उसी से हम इसको यूज़ करते थे, ज़्यादा कुछ ऑप्शन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता था। बट फिर MI बैंड 3 आया, जैसा कि आप देख सकते हो दोनों का साइज़ भी डिफरेंस है, 2, 3 एंड फाइनली ये 4। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज़ हो रहा है साइज़, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है। 4 का हल्का सा, वैसे 3-4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी तो आप तीनों के बीच में इम्प्रूवमेंट कैसा है वो तो देख ही सकते हो। तो डेफिनेटली अगर अभी आप लेना चाहते हो तो गो फॉर MI बैंड 4, अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट करो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर लो। सिर्फ 3000 का है एंड बट वैल्यू फॉर मनी है ये बैंड, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। मैंने सबसे कंपेयर किया है, तो भी मैं आपको इसका सैमसंग फिट इससे कंपेरिजन वीडियो बना के दिखाऊंगा। डेफिनेटली आप बोलोगे कि MI बैंड 4 ही बेटर है। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।